सो हे गाइज, वेलकम बैक। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ डू आई स्केच माई कमीशन वर्क। आउटलाइन यहाँ पर रेडी है और जो हेयर्स का ट्यूटोरियल है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया था, तो रिमेनिंग पोर्शन हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे 2B पेंसिल से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आईब्रो के जो आउटलाइन है वो रेडी है और मैं आउटलाइन के अंदर जस्ट 2B पेंसिल के स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। ध्यान देना कि आपको ये बहुत ही लाइटली देना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा ज़ोर से कर दोगे तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और ये फर्स्ट लेयर, इसलिए लाइट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोग डार्क पोर्शन कवर करेंगे रेफरेंस पिक्चर को देख कर, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो। और आईब्रो होने के बाद जब आईज़ हम लोग शेड करेंगे तो आईज़ का सबसे ईजी वाला जो मेथड है वो यहाँ पर मैंने कवर किया है कि आपको जस्ट 3 डॉट्स वहाँ पर वाइट स्पॉट्स आपको मेंशन करना है और उसके अलावा जितना भी बचा है पोर्शन उसको पूरा आप 2B पेंसिल से शेड कर लो। और उसके अंदर डार्क शेड हम लोग एंड में बाद में अप्लाई करेंगे ताकि वो एकदम रियलिस्टिक लुक दे। और अभी जितने भी पोर्शंस हमारे पेंडिंग है जहाँ पर आपको रेफरेंस पिक्चर को देखकर जहाँ पर भी डार्क स्पॉट्स है और जहाँ पर भी डार्क पोर्शन आ रहा है वहाँ पर आपको 2B पेंसिल से कवर अप कर देना है। ये स्टेप अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अभी हम लोग करने वाले बियर्ड का शेडिंग। बियर्ड में भी हमें सिमिलर फैशन में फॉलो करना है। यहाँ पर मैं 2B से स्ट्रोक्स दे रहा हूँ और ध्यान देना ये जो मैं लोअर पोर्शन का स्ट्रोक्स दे रहा हूँ वहाँ के हेयर्स लेंथ में थोड़े बड़े हो गए एज़ कम्पेयर टू दी अपर हेयर्स, तो वैसे ही आपको भी अपर हेयर्स को थोड़ा सा लेंथ में छोटा बनाना है जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ लीड पेंसिल 0.5 mm का ताकि वो जो थिन हेयर्स है उसका डिटेलिंग प्रॉपर हो जाए। ब्लेंडिंग के लिए पेपर स्टम्प का यूज़ मैंने किया हुआ है यहाँ पर और सिमिलरली बियर्ड के लिए वापस मैंने लीड पेंसिल से प्रोसीड कर रहा हूँ। ईयर्स का स्केच कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा फर्स्ट लेयर पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो डार्क लेयर हमको देना है, अभी ये फाइनल लेयर है और ये देने के बाद हमारा स्केच कंप्लीट हो जाएगा एंड यू कैन सी अ फैंटास्टिक रिजल्ट एट द एंड। सो गाइज, ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल श्योरली इंक्लूड दैट इन माई अपकमिंग वीडियोज़।